साबित हो गया कि आप पैदाइशी झूठे थे और आज भी आप झूठ बोल रहे। झूठ खुल गया तो बोले अच्छा पूरे देश में करेंगे एनआरसी और असम में भी दोबारा से करेंगे। अब नाकाम हो गए तो असम के उस एनआरसी को भी रिजेक्ट कर दिया। अब आप ये बिल लेकर आए हैं कि अच्छा हम तो इनको शहरियत देंगे। अब वो वही असम के लोग, असम का हिंदू, त्रिपुरा का हिंदू, नागालैंड का हिंदू, मणिपुर का हिंदू, मिजोरम का हिंदू, तमिलनाडु का हिंदू आज इस बिल के खिलाफ खड़ा है। हम अकेले एसडीपीआई नहीं है, इस बिल के वो हिंदू जिनको आप शहरियत देने की बात कर रहे हैं वही हिंदू आज इस बिल का मुखालिफ है। इसलिए कि हिंदुस्तान का एक कैरेक्टर ये भी है कि हम अगर असम में रहते हैं तो असम का हमारा अपना एक अलग कल्चर है, नागालैंड का अलग एक कल्चर है, केरल का अलग एक कल्चर है, तमिलनाडु का अलग एक कल्चर है और वो तमाम लोग अपने अपने कल्चर से प्यार करते हैं। इस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियों की तरह अगर आप सिटीजनशिप बांटेंगे तो वो कल्चर खत्म हो जाएगा। और केरल हो या आसाम, कोई अपने कल्चर को खत्म नहीं करना चाहता धर्म के नाम पर। इसलिए उन्होंने मुखालफत की और आज भी कर रहे हैं और इसीलिए हम मुखालफत, हम एनआरसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसडीपीआई वो पहली पार्टी है इस मुल्क की जिसने सबसे पहले ऐलान किया वी विल बायकॉट एनआरसी, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनआरसी। और आज देश की हर एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ये ऐलान कर रही है कि वो भी बायकॉट करेंगे एनआरसी का। हमारे कहने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल में एनआरसी नाफिज नहीं होने देंगे। हमारे कहने के बाद असम में ऐलान किया कि हम बिहार में ऐलान किया इन्हीं के अलावे कि हम एनआरसी को लागू नहीं करेंगे। हमारे कहने के बाद देश के तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों ने ऐलान किया कि वो एनआरसी का बायकॉट करेंगे। आज आधे से ज्यादा देश एनआरसी का बायकॉट कर रहा है। इसी तरीके से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसका भी आज आधे से ज्यादा देश इसकी मुखालफत कर रहा है और उस मुखालफत को आज अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई उस मुखालफत के देने को लीड कर। हम इस मंच से सीधे ऐलान करते हैं वी रिजेक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वी रिजेक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस बिल एट एनी कॉस्ट। और ये बिल इस लायक है, ये बिल की कॉपी मेरे हाथ में है, ये चार पेज का ये बिल, ये मुनाफिकाना झूठा जालिमाना बिल। एसडीपीआई इस बिल को रिजेक्ट करती है, खारिज करती है, इनकार करते हैं हम इस बिल को मानने से, फेंकने के लायक समझते हैं। और इसलिए मैं महसूस करता हूं कि एसडीपीआई को इस बिल को फाड़ के फेंक देना चाहिए। और आज के सामने मैं बिल की कॉपी से फाड़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, एसडीपीआई ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है और पूरे मुल्क को यह मैसेज दिया है, मुल्क की हर वो कुव्वत जो इस बिल की मुखालफत करती है हम उसके साथ हैं और वो हमारे साथ है। आज दिल्ली में मुजाहरा हो रहा है, पूरे देश में एसडीपीआई खड़ी होगी, गली गली शहर शहर हम इसकी मुखालफत करके सरकार को बताएंगे कि जमहूरी सरकार अगर है तो जमहूरियत में आवाम की आवाज का एहतराम करे, और अगर डिक्टेटरों की सरकार है, गासिबों की सरकार है, जालिमों की सरकार है, क्रिमिनल्स की सरकार है तो लड़ने का सलीका हम जानते हैं। अंग्रेजों को इस देश से निकाल के बाहर करने का काम हमने किया था। तुम नेकरधारियों को, तुम खाकी चट्टीधारियों को सबक सिखाना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने दस्तूर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए, अपने सेकुलरिज्म, अपने सोशलिज्म की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो एसडीपीआई के जाले अपनी जान दे के इस देश को पहले बचाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।